ओके, तो अभी के टाइम में अपने इंस्टाग्राम पर ये वाली रील तो जरूर देखियो, क्योंकि टाइम में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एंड अगर आप भी कुछ इस टाइप की रील को एडिट करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो यार काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है फिर रील वायरल होने की। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे इस टाइप की रील को एडिट कर सकते हो एंड कैसे अपने रील को वायरल भी करा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है VN। तो इसे बहुत इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड देखो एक एक स्टेप बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा और बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल लास्ट तक देखना। तो देखो क्या करना है, आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस वाला, ठीक है। तो सिंपली आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे, देन आपका पे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगी ये वाली, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ से चूज कर लेंगे। और देखो इस वाली वीडियो की लिंक आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इसे यहाँ से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे नीचे एरो वाला, तो आप इस टाइप से सिंपली क्लिक कर देंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी वीडियो का फ्रेम सेट करना है। तो कैसे कर सकते हो आप, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो आपको सिंपली आप इस टाइप से क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 9:60 वाला रेशो चूज कर लेना है, जो कि हम इंस्टाग्राम रील के लिए करते हैं। तो इसे यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे कहीं भी एक बार टैप कर देना है। तो देखो अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी वीडियो को थोड़ा सा इस टाइप से आगे की तरफ स्लाइड करना है, ठीक है। और देखो आपको यहाँ पे ये देखना है कि इस वाली लड़की के फोटो कहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे करके एक बार दिखा देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से अपनी वीडियो को थोड़ा सा आगे की तरफ करूंगा तो जो लड़की के फोटो होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो अगर हम आगे की तरफ करेंगे तो लड़की के फोटो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ से लड़की के फोटोज को डिलीट करना है। तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बीच में कट लगाना है, ठीक है। तो अभी कैसे लगाना है अभी मैं आपको हो बता देता हूँ। तो क्या करना है, आपको यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्प्लिट वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली इस टाइप से क्लिक कर देना है, तो जो आपके यहाँ से वीडियो होगी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और क्या करना है, देखो ये जो लड़की वाली वीडियो है अगली वाली, तो इस पे यहाँ पे इस टाइप से क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको एक वाटर मार्क मिलेगा, तो इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे भी यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है और हमारे यहाँ पर वीडियो फिलहाल इतनी बची है। तो देखो अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फोटोज को जोड़ना है। तो कैसे कर सकते हो आप, तो देखो उसके लिए आपको प्लस वाला आइकन पे इस टाइप से क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ से अपनी कोई 13 फोटो चूज कर लेनी है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से अपनी कोई 13 फोटो चूज कर लेनी है, तो मैं इसे फटाक से चूज कर लूंगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी 13 फोटो चूज कर लिया है, ठीक है। देन क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा एरो वाला, ठीक है। तो सिंपली आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी सारी फोटोज आ चुकी हैं। तो देखो अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे एक म्यूजिक ऐड करना है। तो कैसे कर सकते हो आप, तो देखो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा म्यूजिक वाला, ठीक है। तो सिंपली आप इस टाइप से क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। और देखो आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा प्लस वाला, ठीक है। तो सिंपली आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे और यहाँ पे थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे। बहुत सिंपल है यार, यहाँ पे इस टाइप से क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड देखो आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगी जो कि हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में जोड़ी थी, ठीक है, जो हमने वहाँ पे ऐड की थी। यहाँ पे आपको फिर से वही वाली वीडियो चूज कर लेनी है। तो मैं यहाँ से इस वाली वीडियो को चूज कर लूंगा और यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पे इस टाइप से क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जो इस वाली वीडियो को जो ऑडियो होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा एंड आ भी चुका है सबसे ऊपर। तो क्या करना है, इस पे यहाँ पे इस टाइप से क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से चूज कर लेंगे, देन आपको राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑडियो भी आ चुका है। तो देखो अभी क्या करना है, जो सबसे मेन काम है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे अपने म्यूजिक में बीट लगानी है। तो देखो वो कैसे लगा सकते हो आप, तो उसके लिए आपको अपने म्यूजिक के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे टैप करेंगे और आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा बीट वाला, ठीक है। तो सिंपली आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे, ठीक है। और देखो आप यहाँ पे बीट कैसे लगा सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे बीट लगानी है। तो देखो बीट लगाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली इस रेड वाले ऑप्शन पे इस टाइप से क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे एक बीट लग जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपको यहाँ से बीट को डिलीट करना है तो आपको सिंपली बीट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप डिलीट भी बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे इस टाइप से 13 बीट लगानी है, मतलब आपको यहाँ पे 13 बीट लगा देनी है, ठीक है। एंड देखो आपको बीट कहाँ कहाँ पे लगानी है अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे पहली बीट लगानी है 4.98 पे। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे लगा के एक बार दिखा देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4.98 आ चुका है, ठीक है। तो रेड वाला ऑप्शन पे इस टाइप से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी जो पहली बीट लग जाएगी, ठीक है। और देखो यहाँ पर हमारी जो सेकंड बीट है वो है 5.54 पे। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार लगा के और दिखा देता हूँ।
ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5.54 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी जो सेकंड बीट लग जाएगी। और देखो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहली बीट कहाँ पर है, दूसरी बीट कहाँ पर है और तीसरी बीट कहाँ पर है, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीन शॉट लेके भी रख सकते हो, एंड जब आप अपनी कोई रील एडिट करो तो आप इसमें बहुत ईजिली देख देख के अपनी रील को बहुत आसानी से एडिट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे फटाक से अपनी सारी बीट लगा लूंगा और उनकी जो टाइमिंग होगी यहाँ पर मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। और आपको बीट कैसे लगाने हो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपनी सारी बीट अच्छी तरीके से लगा ली है। तो देखो अभी मैं आपको इनकी टाइमिंग बता देता हूँ कि कौन सी बीट कहाँ पर है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो पहली बीट है, मतलब जो फर्स्ट बीट है, वो यहाँ पर है 4.98 पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो यहाँ पर हमारी सेकेंड बीट है वो यहाँ पर 5.54 पे, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर थर्ड बीट है वो यहाँ पर मतलब 6.1 पे देख सकते हो आप, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारे फोर्थ बीट है वो यहाँ पर 6.42 पे, और जो हमारे यहाँ पर फिफ्थ बीट है वो यहाँ पर 6.83 पे, एंड जो यहाँ पर सेवन है वो यहाँ पर 7.31 पे, एंड जो यहाँ पर सेवन बीट है हमारी वो यहाँ पर 7.67 पे। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारी एट्थ बीट है वो यहाँ पर 8.08 पे देख सकते हो आप, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारी नाइन बीट है वो यहाँ पर 8.54 पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमारी जो 10 बीट है वो यहाँ पर 9.36 पे, और जो यहाँ पर 11 है वो यहाँ पर 9.81 पे, ठीक है। और जहाँ पर 12 है हमारी वो यहाँ पर 10.22 पे, और देखो यहाँ पे बिल्कुल जो लास्ट वाली जो 13 वाली है वो आपके यहाँ पर 10.64 पे, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। देन आपको यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन इस टाइप से क्लिक कर देना बीट लगाने के बाद। ओके, तो यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। तो देखो अभी क्या करना है, पहले इस यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप से जूम कर लेंगे, ठीक है। और क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे अपनी पहली वाली वीडियो पे आना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पहली वाली वीडियो पे। और देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे ये बिल्कुल बीट के नीचे लाके अच्छे से रख देनी है। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से करके दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल बीट के नीचे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे अपने फोटो पे क्लिक करना है, पहले वाले फोटो पे, इस पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से इस टाइप से पकड़ेंगे और पीछे की तरफ लेके आ जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे भी देख सकते हो कि बिल्कुल बीट के बीचों बीच है, ठीक है। तो देखो आपको यही करना है कि यहाँ पे आपको अपनी फोटो पे क्लिक करना है इस टाइप से, और इन्हें यहाँ पे इस टाइप से पकड़ के बीट के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे लाके इस टाइप से रख देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे सेम ऐसे करना है, तो आप यहाँ पे भी इसे भी देख सकते हो बिल्कुल बीट के बीचों बीच है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस यही करना है कि आपको यहाँ पे अपने फोटो पे इस टाइप से क्लिक करना है, ठीक है, और इसे यहाँ पे इस टाइप से लाके बीट के नीचे रख देंगे, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक एक करके करने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपको यहाँ पे कैसे करना है, तो मैं ऐसे फटाफट से कर लूँगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपने सारे फोटोज़ को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेम ऐसे ही करना है। देन क्या करना है, देखो इतना करने के बाद क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे अपने फोटोज़ में इफेक्ट लगाने, क्योंकि भाई उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो देखो वो कैसे ला सकते हो आप, तो क्या करना, देखो आपको यहाँ पे अपनी पहले वाली वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे सबसे नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा इफेक्ट्स वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली इस टाइप से क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, बट आपको यहाँ से सिर्फ वो ही चूज़ करना है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जो सबसे अच्छा लगेगा सिर्फ वो ही बताऊंगा। तो देखो आपको यहाँ पे साइड में जाना है, एंड आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा जूम आउट वाला, तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है। तो इस पर यहाँ पे इस टाइप से क्लिक करेंगे और देखो क्या करना है, इसे यहाँ से बिल्कुल शुरू में लेके आ जाएंगे, ठीक है, और आगे की तरफ जितना ज़्यादा उसके बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ही यहाँ पे इतना ही पड़ेगा। और देखो क्या करना है, ये वाला इफेक्ट आपको अपने सारे फोटोज़ में लगाना है। तो कैसे लगा सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई टू ऑल वाला, ठीक है। तो सिंपली आप इस टाइप से क्लिक कर देंगे, तो ये वाला इफेक्ट आपके सारे फोटोज़ में यहाँ पे लग जाएगा, एंड लग भी चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो फाइनली यहाँ पर हमारी वीडियो पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुकी है, एंड अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, देखते हैं कैसी बनी है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी वीडियो कितने अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है, तो अरे एक लाइक तो बनता है। तो देखो अभी क्या करना है, आपको अपनी गैलरी में सेव ही करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, तो ये वाली वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर देना, ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। और ये राइट वाली वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि टाइम में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो जल्दी से इस पर क्लिक करो और जल्दी से देखो।